हेलो गाइस, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले आपको वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपके वेरिएबल्स होते क्या है। ए से जेड तक आपका कोई भी लेटर डिफाइन करेगा वेरिएबल को, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, या कोई भी एक्स वाई जेड एम कुछ भी हो गया, कोई भी एक अल्फाबेट क्या कहलाएगा, आपका वेरिएबल कहलाएगा। अब फर्स्ट पार्ट करने से पहले एक चीज और पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब जैसे कोई भी आपका अल्फाबेट है, अगर आपकी अल्फाबेट की पावर जो है होल नंबर है, तो आपका ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होगा। होल नंबर होते क्या है, जो आपके किससे स्टार्ट होते हैं, जीरो से, जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, दिस इज योर होल नंबर। फर्स्ट पार्ट को, 4x² - 3x + 7। अब इसकी पावर क्या है आपकी 2, और -3x इसकी पावर क्या हो गई आपकी 1। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, y² + √2, इसमें भी सिंगल वेरिएबल का यूज हो रहा है y, ठीक है। पावर क्या है आपकी 2, मतलब होल नंबर है, तो ये भी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होगा। नेक्स्ट पार्ट, 3√t + t√2, वेरिएबल तो एक ही यूज हो रहा है t, लेकिन एक है आपका √t। √t का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2, तो क्या आपका 1/2 होल नंबर है, नहीं है, 1/2 इज नॉट योर होल नंबर, तो इसीलिए ये पूरी स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, फॉल्स। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, y + 2/y, अब सेम वन वेरिएबल का यूज हो रहा है, लेकिन 2/y है, 2/y को हम कैसे लिख सकते हैं, 2y की पावर -1। -1 क्या होता है आपका, होल नंबर होता है, नहीं होता। दैट मीन्स ये भी क्या है, इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं है। फिफ्थ पार्ट, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, इसको तो देखने की नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल्स का यूज हो रहा है, 3 वेरिएबल्स, x, y और t, इसमें 3 वेरिएबल्स का यूज हो रहा है, तो हमसे पूछा कितने वेरिएबल्स है, 1 वेरिएबल। दैट मीन्स ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। दैट मीन्स ये भी आपका पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोफिशिएंट बताने हैं x² के, मतलब ये देखना है x² के साथ आपका क्या नंबर है, x² अगर सिर्फ ये आपका x² है, इसके साथ में कोई भी नंबर नहीं होता, तो इसको हम कंसीडर करते हैं 1। दैट मींस इसका कोफिशिएंट क्या हो गया आपका 1। नेक्स्ट देखते हैं आपका फोर्थ पार्ट, इसमें आपकी x² की टर्म ही नहीं है, जिसमें आपकी x² की टर्म नहीं होती उसकी पावर होती है आपकी 0, ठीक है, और तो आंसर भी क्या होगा आपका 0। दैट मींस x² है ही नहीं, कोई टर्म ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। अगर x² की कोई टर्म होती तो जो उसका नंबर होता वो कंसीडर करते। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या करना है, एक टर्म बनानी है जिसमें बाइनोमियल की टर्म बनानी है, जिसकी डिग्री क्या होगी आपकी 35। बाइनोमियल होता है 2 डिजिट वाला, जैसे कि 3x - 4, ये आपकी 2 टर्म हो गई, तो ये होता है बाइनोमियल। अब इसकी आपको वेरिएबल की डिग्री लिख रखनी है आपको 35, तो मैंने यहाँ वेरिएबल कौन सा यूज करा है, एक्स, तो x की पावर लिख लो आप 35, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल। मोनोमियल होता है सिंगल टर्म, सिंगल टर्म की वेरिएबल की डिग्री क्या होगी आपकी 100,
पावर 100। तो ये हो गया आपका मोनोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको डिग्री बतानी है, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो होगी आपकी डिग्री। इसमें देखो हाईएस्ट पावर किसकी है, 5x की पावर 3 जा रही है, ये 4x की पावर 2, 7x की पावर 1। इसका मतलब तो सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, 5x की पावर 3, दैट मींस 3। तो इसकी डिग्री क्या हो गई आपकी 3। इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, जब कोई वेरिएबल नहीं होता तो हम क्या लिख देते हैं, 0। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। जब आपकी पावर 1 में जाएगी तो आपका होगा वो लीनियर, जब मैक्सिमम पावर आपकी 2 में जाएगी तो वो होती है आपकी क्वाड्रेटिक, और जब आपकी पावर 3 में जाती है तो वो टर्म होती है आपकी क्यूबिक। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, मैक्सिमम पावर आपकी 2 गई है इसीलिए क्वाड्रेटिक है। 3t होता है उसकी पावर क्या कंसीडर होती है, 1। ध्यान रखना 0 नहीं होती, पावर होती है 1। तो 3t की पावर 1 सिंगल टर्म है, पावर 1 आई तो ये क्या हो गया आपका लीनियर। इसमें था 7x की पावर 3, पावर 3 में थी तो आपका ये क्या बन गया क्यूबिक। तो लीनियर में पावर होनी चाहिए 1, क्वाड्रेटिक में पावर 2 और क्यूबिक में पावर 3।